हेलो बच्चों, मैं हूँ कैब में भी और मैं जा रहा हूँ एम्स दिल्ली। मम्मी के आज ऑपरेशन है मम्मी का, और बिल्कुल मेरे सामने ही, थोड़ा मतलब सामने ही बिल्डिंग दिख रही है, शायद आपको दिखेगी नहीं गाड़ी से। CBSE की बिल्डिंग है, कड़कड़डूमा इलाका है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उधर से आते हुए मुझे भी ब्लड देना है मम्मी को असल में, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो ब्लड देना होता है। तो जैसे ही मैं वहाँ से फ्री हूँगा 1-1.5 घंटे में, फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं CBSE बिल्डिंग जाऊँ। और CBSE में एक जन सुनवाई केंद्र होता है जहाँ पर आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हो, और वहाँ कुछ लोग जानने वाले भी हैं, 1-2 लोग। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई पता लगाऊँ कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा। तो ये सामने बिल्डिंग है, देखिए बिल्कुल सामने CBSE की बिल्डिंग है, आपको शीशे से दिख नहीं रही होगी अभी। तो ये मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूरी है, 5 भी नहीं होगा सर, है वहाँ से अभी 5 किलोमीटर चल रही है, हम होगा सर 5 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अभी मैं एम्स से आ रहा हूँ सीधा, क्योंकि हॉस्पिटल में मम्मी का ऑपरेशन चल रहा है इस टाइम बेसिकली, तो आप मेरी मेंटल सिचुएशन समझ सकते हैं। और फिर जब मैं वहाँ से आऊँगा तो 5 बजे तक CBSE का ऑफिस खुला होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि CBSE ऑफिस में जाकर पता करूँ कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, और आएगा या नहीं आएगा, और कब आएगा। और हम तो यही चाहते हैं कि रिजल्ट ना आए अभी, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है और बच्चों को मेंटली बहुत दिक्कत होगी इससे कि अब रिजल्ट आएगा तो, क्योंकि अब बच्चे अपनी सेकेंड टर्म की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं हो सकता है एक एप्लीकेशन लिख लूँ और वहाँ दे दूँ अपनी हाथ से लिख के कि भाई आई रिक्वेस्ट टू CBSE कि आप रिजल्ट ना दें, क्योंकि आपको भी लोड पड़ेगा देने में और हम चाहते भी नहीं कि रिजल्ट आए। और कोई बच्चा अगर अपने मार्क्स देखना चाहता है तो उसको पर्सनली एक लॉगिन आईडी से या कुछ भी या स्कूल में वो अपने मार्क्स देख सके, क्योंकि बच्चों को इस टाइम अगर रिजल्ट आएगा तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी, एक मेंटली वो रहता है। तो बिल्कुल मेरे सामने ही CBSE बिल्डिंग दिख रही है, आपको शायद दिख नहीं रही होगी इधर। तो मैं अब जा रहा हूँ एम्स में, और आपका रिजल्ट अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया CBSE का। कल मैंने वीडियो बनाई थी, आज आ सकता है क्योंकि मेरे पास कुछ सूचनाएं आई थी, और आ भी सकता है, अभी दिन शुरू हुआ है। तो जैसे भी स्थिति होगी मैं आपको ये बताऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।